तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह से हमारे पास जो पैरेलल ऑपरेशन हमने करना है उसकी नीड क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं और उसके मेथड्स क्या हैं। सो मेथड्स में हम लोग मेथड्स ऑफ सिंक्रोनाइजेशन हम लोग इस लेक्चर में करेंगे। तो मेथड ऑफ सिंक्रोनाइजेशन में सबसे पहले है लैंप मेथड, इसको हम बोलते हैं लैंप मेथड। और लैंप मेथड को हम इसको वन डार्क टू ब्राइट लैंप मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। सो इसमें आप देखें, तो मैंने डायग्राम ऑलरेडी बना के रखा हुआ है आपको समझाने के लिए। तो इसमें आप देखें, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो लैंप्स कनेक्टेड है वो किस तरह से कनेक्टेड है। यहाँ पे आप देखिए बस बार्स हैं, R1 Y1 B1, और यहाँ पे एक अल्टरनेटर ऑलरेडी कनेक्टेड है, दूसरा अल्टरनेटर इनकमिंग, ये मैंने बस बार के साथ को कनेक्ट करना है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ, ये जो स्विच है बस बार का, ठीक है, ये जो स्विच है, ये स्विच के साथ जो है हमारे जो इन बस बार की जो फेजेस हैं और जो इनकमिंग अल्टरनेटर के फेजेस हैं वो इस तरह से दिखाए हुए हैं। L1 देखो किस किस से कहाँ कनेक्टेड, L1 इज कनेक्टेड विद बिटवीन R1 एंड R2, R1 और R2, राइट। L2 जो कनेक्टेड है, देखिए L2 कहाँ कनेक्टेड, L2 कनेक्टेड है Y1 और Y2 के साथ कनेक्टेड नहीं है, Y1 और B2 के साथ कनेक्टेड है, B2। और जो आपका L3 है वो B1 के साथ, और ये रेड से शो किया मैंने Y2 के साथ, राइट। यही तीनों चीज़ें मैंने यहाँ पे दिखाई हुई हैं। ये मेरा R, ये जो ब्लैक से मैंने रिप्रेजेंट किया, ये बस बार्स का है, R1 Y1 और B1, ब्लैक का, ब्लैक जो है ये मेरा जो ब्लैक मैंने ड्रॉ किया हुआ ना, ये मेरे बस बार का फेजर है, ठीक है। और जो रेड से मैंने ड्रॉ किया, ये मेरे इनकमिंग अल्टरनेटर का फेजर है, राइट। तो यहाँ पे आप देखें कि इनकमिंग अल्टरनेटर का फेज जो है वो बस बार के फेज से आगे है, राइट। सो जब ये बस बार के फेज से आगे होगा, तो आप देखें तीनों लैंप, L1 किसके बीच में था, R1 और R2 के बीच में। तो L1 जो है वो नेचुरली दोनों फेजेज में डिफरेंस है, तो यहाँ पे कुछ ये कुछ ना कुछ तो ब्लिंक करेगा। सिमिलरली L2 किसके बीच में था, Y1 और B2 के बीच में, L2 Y1, सॉरी, ये Y1 और B2 के बीच में, Y1 और B2 का L2। L3 B1 और Y2 के बीच में, L3 B1 और Y2 के बीच में, राइट। तो ये है, अब मैंने आपको एक और स्टेज यहाँ पे दिखाई कि जब ये एक दूसरे से ऊपर जब ये फेज आपस में मैच करेंगे, इनका ना अल्टरनेटर का जो फेज है वो अगर बस बार के बस बार के फेजर के साथ मैच कर जाएगा, तो वो हमारा डायग्राम कुछ इस तरह से आएगा। तो आप देखें R1 R2 के ऊपर ओवरलैप कर गया हुआ है, Y1 Y2 के ऊपर ओवरलैप कर गया हुआ है, और B1 B2 के ऊपर ओवरलैप कर गया, मतलब कि मेरा ये जो फेजर था ये ऐसे आ गया, ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। जब ये ओवरलैप करके, तो आप देखो L1 मेरा डार्क हो गया, L1 क्योंकि दोनों के दोनों फेजर के बीच में कोई डिफरेंस है ही नहीं, सो L1 मेरा यहाँ डार्क हो गया, वेयर एज B1 B2 के बीच में मैक्सिमम डिफरेंस है। सो L2 और L3 मेरे जो होंगे वो फुल ब्राइट होंगे और L1 मेरा डार्क होगा, राइट। वैसे ही आप एक और फेजर ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें आप R1 को Y1 के ऊपर दिखा सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ। सपोज ये मेरा R1 यहाँ पहुँच गया है मेरा, ठीक है, और ये मेरा Y1 है और ये मेरा B1 है, ठीक है। अब जो मैं दूसरा आपको यहाँ इनकमिंग अल्टरनेटर का शो कर देता हूँ कि R1 जो है मेरा, जो आर सॉरी R1 जो है मेरा, अब वो B1 के ऊपर है, सॉरी R2, ठीक है। मुझे बेसिकली क्या करना है, R2 को Y1 के ऊपर लाना है, ठीक है। तो मेरे को जो फिक्स मेरा है R1, ये मेरा सेम रहेगा, R1 Y1 B1, मेरा जो R2 है वो यहाँ आ जाएगा। तो R2 मेरा यहाँ ओवरलैप कर रहा है और Y2 मेरा यहाँ आ रहा है और मेरा B2 यहाँ जा रहा है। अब मैं लैंप्स देख लेता हूँ, ठीक है। R1 और B2 के बीच में कुछ नहीं है, ठीक
ठीक है, मेरा L1, L1 R1 और R2 के बीच में मेरा L1 था, R दिस इज मेरा V2 R2, सो R1 और R2 के बीच में मेरा, यहाँ पे R1 और R2 के बीच में मेरा L1 है, राइट। B2 और Y1 के बीच में, B2 और Y1 के बीच में मेरा L2 है, राइट। और मेरा B1 और Y2 के बीच में, B1, ये मेरा B1 है, और B1 और Y2 के बीच में, B1 और Y2। अब देखो B1 और Y2, यहाँ ये वाला लैम्प मेरा, ये मेरा लैम्प था L3, अब मेरा L3 डार्क हो गया, ठीक है, और L1 और L2 ब्राइट हो गए। पहले L2 और L3 तो इस तरह से मैं देख सकता हूँ कि मेरा किस तरह से, जो एक एक करके अगर मेरी इनकमिंग अल्टरनेटर की, मैं अगर इसको मूव करता रहता हूँ, ठीक है, फेजर मूव, जब मेरा फेजर मूव होता रहेगा तो मुझे पता लगता रहेगा कि आपकी R1 और R2 कब मैच हो रहे हैं। जब R1 और R2 जब मैच होंगे, जब L1 डार्क होगा, राइट। सो मेरा मतलब है एट अ टाइम एक बल्ब डार्क होगा और दो बल्ब ब्राइट होंगे, राइट। सो आई कैन सी विच बल्ब, विच लैम्प इज ब्राइट एंड व्हेन इट इज ब्राइट, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली मैं अलग अलग फेजर डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट करके शो कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्लियर हो जाएगा कि मेरा मेरा जब R1 R2 के फेजर के ऊपर आएगा, तो मेरा L1 जो डार्क होगा और L2 L3 ब्राइट होंगे। दिस इज द मोमेंट व्हेन आई हैव टू स्विच दिस इनकमिंग अल्टरनेटर एंड आई हैव टू सिंक्रोनाइज इट विद द बस बार, राइट। सो दिस इज वन मेथड ऑफ सिंक्रोनाइजेशन विच इज कॉल्ड लैम्प मेथड एंड वन। लेकिन ये मेथड थोड़ा एक्यूरेट नहीं है, राइट। इस मेथड के साथ हमारा एक्यूरेसी नहीं आती है, इसीलिए हम लोग इस मेथड की बजाय आप देखेंगे जेनेटिक स्टेशन में हम लोग सिंक्रोस्कोप से जो है इसको करते हैं, जो आप सिंक्रोनाइजेशन करते हैं उसको हम सिंक्रोस्कोप मेथड यूज़ करते हैं जनरली। वहाँ पे आप अगर किसी ने ट्रेनिंग की होगी वहाँ पे, ठीक है। सो एक तो जजमेंट, क्योंकि क्योंकि इसमें क्या सिंक्रोनाइजेशन, इसमें क्या आप देखेंगे तो इसमें ऑपरेटर की जजमेंट है कि यार कब कब लैम्प डार्क हो रहा है, कब ब्राइट हो रहा है, राइट। सो ये मशीन का स्लो फास्ट का भी नहीं बता पाता है, राइट, कि कौन सी मशीन स्लो है कौन सी मशीन फास्ट है, राइट। और जो इसमें है, जैसे हायर वोल्टेज की मशीनें होंगी, उसके लिए आपको फिर ट्रांसफार्मर की जरूरत भी पड़ती है। सो जनरली दैट्स वाई वी डोंट प्रेफर दिस मेथड फॉर सिंक्रोनाइजेशन, एंड वी प्रेफर रादर सिंक्रोस्कोप मेथड फॉर सिंक्रोनाइजेशन। तो नेक्स्ट लेक्चर मैं सिंक्रोस्कोप का आपको करवाता हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक यू।